और शाहजहांपुर में एक विवाहिता ने अपने पति से 3 तलाक की मांग कर रही है और अतिरिक्त दहेज न मिलने के कारण पीड़िता को घर से निकाल दिया है और अब पीड़िता अपनी 2 साल की मासूम बच्ची का लालन पालन करने में असमर्थ है। केंद्र सरकार कानून बनाकर 3 तलाक को खत्म करने के प्रयास में लगी हुई है, लेकिन रेशमा ने अपने पति से परेशान होकर 3 तलाक दिए जाने की गुहार लगाई है। रेशमा के पति ने अवैध संबंधों के चलते उसे घर से निकाल दिया है। कमाई का साधन न होने के कारण 2 साल की मासूम का लालन पालन करना मुश्किल हो गया है। मैं तलाक इसलिए चाहती हूँ क्योंकि मेरे शोहर दूसरी से नाजायज ताल्लुकात रखते थे और मेरे से बिना पूछे उन्होंने शादी की और उसको घर में रख रखी। मुझे 4 साल हो गए घर पे रहते हुए और काफ़ी दफे ले जा चुके थे मुझे और मार पीट के घर बाहर खड़ी कर देते थे और कहते थे घर से पैसे ला के दे। तब मम्मी सही थी, काम करती थी, खाना बनाती थी, पैसे भी काफ़ी दिए और भैया भी साथ में थे, 50,000 नकद भी दिए थे उन्होंने। फिर भी उस औरत के ऊपर उन्होंने खर्च करके और चुपके से निकाह कर लिया और मुझको मेरे घर घेर दी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते रहे। रेशमा के पिता ने समय समय पर ससुरालियों की बहुत सी मांगों को किसी तरह पूरा करने का प्रयास भी किया, लेकिन एक के बाद एक मांग करने के चलते ससुराली कभी उससे खुश नहीं हुए। थाना देवबंद में एक मामला सामने आया है जहां पे एक महिला ने अपने पति से 3 तलाक मांगा है। इस बात का हवाला देते हुए कि घर में कमाई नहीं हो पा रही है, बच्ची इसके पास एक छोटी सी है, पूरी माँ के साथ हो रही है। ये मामला संज्ञान में आ गया है, इसके ऊपर आगे कार्रवाई की जाएगी। हालातों से मजबूर रेशमा 2 साल के मासूम के लालन पालन को मजबूर है। जिंदगी से संघर्ष करते उसके पिता का निधन हो चुका है और वो अपनी बच्ची के साथ बूढ़ी माँ के पास रह रही है। 3 तलाक मिलने के बाद ही रेशमा अपने पैरों पर खड़ी होकर मासूम के भविष्य की नींव रख पाएगी। लियाकत पुंडीर, सहारनपुर, हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।